ये आपका कल का जो इंसिडेंट हुआ है असम अरुणाचल के बीच में कांकू सर्कल में अंदर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, तो हमको अपना स्टेटमेंट रखने के लिए आप लोग ने हमको इनवाइट किया, उसके लिए हम तहे दिल से थैंक्स बोलते हैं। उसके बाद हम आप डीएमके न्यूज़ को ये भी बोलते हैं कि डीएमके न्यूज़ और कुछ चैनल है जो हमेशा बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर आप लोग ने इनिशिएट लिया है, उसके लिए हम लोग बीइंग ए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन हम लोग हमेशा आप लोग को थैंक्स देते हैं। और आज ये मीडिया में आने का सबसे पहले हम लोग का यही था कि इंटेंशन ये था कि जो भी कल लाइफ जो लॉस किया है, कल जितना भी विक्टिम फैमिली है जो असम काउंटर पार्ट से, तो हम लोग कंडोलेंस देते हैं ये चीज़ को लेके ना, कंडोलेंस देते हैं हम लोग का तरफ से जो ग्रीफ फैमिली को हम लोग कंडोलेंस देते हैं। उसके बाद हम लोग एज ए बींग ए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन हमेशा गवर्नमेंट को, आप लोग रिसेंटली भी देखा होगा हम लोग ने यही बोला था कि मेरा स्टेटमेंट में भी हम ये बोला था कि जितना बाउंड्री एरिया में है चाउस फैल रहा है, कल को ये इंसिडेंट निकल सकता है कि देखिए कल जो इंसिडेंट हुआ है ओकड़ हुआ है ये बहुत कंडेनेबल है। जो हम लोग का जो दोनों बोर्ड स्टेट आसाम एंड अरुणाचल वाला बोल रहे हैं कि ये अभी इसको रिजोल्व कर दिया मैटर को, बाउंड्री इश्यूज़ को रिजोल्व कर दिया, रिजोल्व आप लोग का आप लोग टेक्निकल वे में रिजोल्व नहीं किया, हम लोग ने हमेशा सजेस्ट किया है। बाउंड्री जब हाई पावर मिनिस्टर कमिटी बनाया था उसमें भी हम लोग ने इसको बोला था कि आपका कुछ लेकुनास बच गया, कुछ लेप्स होल है इसमें, आप लोग का जो ये बनाया गया जो स्ट्रेटेजी बनाया गया इसको रिजोल्व करने का, हम लोग इसको सीरियसली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बहुत बार दिया है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट कभी हम लोग को इंक्लूड नहीं किया वो लोग का जो सिस्टम है, वो लोग का पॉलिसी प्रोग्राम में हम लोग, लेकिन बीइंग ए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन हम लोग बॉर्डर एरिया का आदमी से स्टेक होल्डर से हमेशा कीप इन टच में है, यहाँ तक कानूबड़ी से लेके बालूमु तक हम लोग हमेशा कीप इन टच में है। वो चीज़ को हम लोग हमेशा ग्रीवेंसेस को प्लेस किया है। लास्ट टाइम हम सीएम को भी मिला था, सीएम ने को भी हम बोला है कुछ बाउंड्री इशूज के बारे में, सर ऐसे ऐसे कुछ लेकुनास है प्लीज़ इसको आप सॉर्ट आउट करिए, लेकिन हम उस दिन भी प्रेस स्टेटमेंट यही बोला था कि ये जितना भी अभी रिजोल्व हुआ है उल्टा ये जो चाउस फैल गया अभी जो बॉर्डर एरिया में, तो देखिए अभी जो इंसिडेंट निकला है हम लोग तो उसको टोटली कंडेम करते हैं। उसके बाद असम काउंटर पार्ट गवर्नमेंट को भी हम लोग ये अपील करते हैं कि आप देखिए ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो लाइफ लॉस हुआ है इसमें, हम लोग ये अपील करते हैं कि इसको एज पर द लॉ बुक करना है, लेकिन आप लोग इंडिविजुअली आप लोग अटैक करेगा हम लोग का आदमी को, अटैक करेगा लोकल आदमी को या प्रॉपर्टी डैमेज करेगा। आज आप लोग रिसेंटली देखा है आसा पुलिस आदमी को मार रहे हैं, जो पुलिस आदमी जो हम लोग का अरुणाचल का गया था उसको अटैक करके गाड़ी साड़ी तोड़ा है। ये टोटली असम काउंटर पार्ट का भी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलर है और अरुणाचल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलर है, हम लोग इसको टोटली कंडेम करते हैं। क्योंकि आप रिजोल्व किया बोला है तो आप लोग इसको रिजोल्व किया तो एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग चीफ सेक्रेटरी से लेके डीसी से लेके एडीसी ईएसी तक आप लोग सीओ सर्कल सीओ तक आप लोग इसको गंबुड़ा तक एक्चुअली पंचायत लीडर तक आप लोग सर्कुलर देना चाहिए था कि अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है पब्लिक को आपस में कन्फ्रंट नहीं होना है, लेकिन आप लोग ये सिस्टम को नहीं गया, सिर्फ आप लोग दिखाने के लिए अपना दाल गलाने के लिए आपका यूनियन मिनिस्टर बोल दिया आप लोग रिजोल्व करो बोल के, अमित शाह को आप लोग इम्प्रेस करने के चक्कर में आप लोग रिजोल्व करेगा बोल के बाउंड्री इशू को, स्टेक होल्डर से आप लोग कुछ भी सजेशन नहीं लेके कुछ भी फीडबैक नहीं लेके आप लोग ने ये चीज़ जो आज किया है ये सरासर गलत है। और असम गवर्नमेंट को भी और असम पब्लिक को भी ये मीडिया के थ्रू से हम बोलना चाहते हैं, देखिए आप लोग जो अगर ये जो भी हुआ है जो भी इंसिडेंट हुआ है, चलो ये कन्फ्लिक्ट होके ये मिसअंडरस्टैंडिंग होके हो गया होगा, हम लोग भी कंडेम करते हैं कोई भी अगर इसको इनिशिएट लिया है ये इश्यूज़ को लेके कंडेम करते हैं, लेकिन आप लोग लोगों को अपना हाथ में लेके जो कर रहे हैं ये सरासर गलत है। और बींग ए बॉर्डर स्टूडेंट प्रेसिडेंट हम ये बोलते हैं कि आप लोग देखिए ब्रदरहुड हम लोग हमेशा मेंटेन करता है ब्रदरहुड, और हम लोग इंटरस्टेट फेस्टिवल भी बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन इसलिए इनिशिएट लिया है कि हम लोग का ब्रदरहुड जो मेंटेन होना है। और आप लोग जो हम लोग का जो आदमी को आप लोग रास्ता में अटैक करेगा ये सरासर गलत है। और हम सीधा सरासर अरुणाचल गवर्नमेंट उसका असम गवर्नमेंट को ही बोलते हैं ये इंसिडेंट अगर करते रहेगा हम लोग का पब्लिक हैरेसमेंट करेगा, आप लोग प्रॉपर्टी डैमेज करेगा। आप लोग भी सोचिए कि बॉर्डर एरिया 12 डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डर एरिया में, आप लोग को भी हम लोग एवेक्शन ड्राइव शुरू करेगा, ये चीज़ लोग आप लोग समझना चाहिए। ये आप लोग अपना लोगों को हाथ में लेना ये सरासर गलत है, इसको हम लोग कंडेम करता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी अपील करता है कि इमीडिएट पुलिस फोर्स एडिक्वेटली आप लोग वहाँ आप डिप्लॉय करिए जहाँ में कंकु सर्कल में अभी हो रहा है। कंकु सर्कल एक बहुत सेंसिटिव एक जोन है, हम लोग पहले से विजिट किया है, पहले से वो चीज़ एरिया को देखा है, उसमें बहुत सारा हेक्टर जमीन जो अरुणाचल का ओपन मार्केट में है, ओपन मार्केट इन द ओपन प्लेस में है, जिसको हमेशा कुछ सेल्फ इंटरेस्ट में कुछ वहाँ का जो असम काउंटर पार्ट का आदमी किसी को पैसा देके या किसी को वहाँ का जो टी बगान का मालिक लोग इनिशिएट लेके पैसा देके जो कुछ कुछ आदमी को लगा के वहाँ में जो हंगामा करता है, ये चीज़ को हमने पहले से गवर्नमेंट को बोला है और पहले से हम लोग बोला है कि पुलिस आउट पोस्ट वहाँ में
सेटअप करो, लेकिन पुलिस आउट पोस्ट सेटअप के नाम में, लेकिन कभी वो नहीं किया, वहाँ में पुलिस फोर्स रहता ही नहीं ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी में। और लोकल एमएलए को भी हम कर दो अच्छी को भी यही बोलेगा कि आपका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी पुलिस फोर्स आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया गया है, आप इसको इमीडिएटली आप कंकू सर्कल या जो जितना बॉर्डर एरिया है आपका जो लोअर सियांग में, उसमें आप डिप्लॉय करिए। और होम मिनिस्टर से भी हम लोग ये बोलते हैं, अगर ये इंसिडेंट कल को भी फिर ये रिपीटली होते रहेगा, ये ग्रोथ होते रहेगा, तो हम लोग भी चुप बैठने वाला नहीं है। बींग ए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन आपको इमीडिएटली बोलता है कि आसाम गवर्नमेंट को बात करके कोई भी गलत, या आसाम का आदमी गलत हो या अरुणाचल का आदमी गलत हो, आप लोग इसको एज पर द लॉ आप लोग बुक करना है कोई भी हो। और हम लोग लास्टली यही बोलना चाहते हैं कि देखिए लास्ट टाइम अभी हम लोग ये सब चाउस किस लिए फैल रहे हैं, अभी स्टैंड बाई में आपका 64 विलेज जो अभी रखा है रिजॉल्व करेगा बोल के अभी तक पेंडिंग है। आप रिजॉल्व किया बोल के आप अनाउंसमेंट करता है सोशल मीडिया पेज में करता है, आपका ऑफिशियल पेज से नहीं करता है, या आपका गवर्नमेंट स्पोक पर्सन कोई आके नहीं बोलता है ये चीज़ को मीडिया में ओपनली, और आप लोग बोलते हैं रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया। हम लोग मानता है वो चीज़ को, रिजॉल्व करना अच्छा बात है। हम लोग भी तो बींग ए बॉर्डर स्टूडेंट हम लोग क्यों बनाए हैं, बॉर्डर इश्यू के लिए हम लोग बनाए हैं, बॉर्डर को रिजॉल्व करने के बनाए हैं। हम लोग कुछ अलग इंटेंशन नहीं है, ये कुछ कुछ ये इश्यू उठाना है वो इश्यू उठाना है या कुछ गलत बात को बोलना है पब्लिक को। हम लोग यही बोल रहे हैं कि अभी जो 64 विलेज जो है, आप लोग तो अभी देखो पब्लिक को आप लोग ये भी बताया नहीं है कि कौन कौन सा जो नामसाई डिक्लेरेशन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन कौन सा विलेज को आप लोग जो इंक्लूड किया है असम में और अरुणाचल में, और कौन कौन सा अरुणाचल का कोई एक्सक्लूड किया आप लोग दिया है उधर उस साइड में, आप लोग तो बताया नहीं कभी। ये तो चौस फैलेगा, ये आप लोग का करने का सिस्टम ही गलत है ना। आप पब्लिक को इतना साल से वो आदमी लोग का माँ पिताजी का जमीन वहाँ में है, आप लोग वो आदमी का जमीन को मन मर्जी आप लोग बैठ के टेबल में इधर से हम उधर देगा, ये पार्ट को इधर देगा, क्वेश्चन तो ये एराइज होता है। हम लोग भी यही पूछे हैं ना, चलो निगोशिएशन हुआ है, गिव एंड टेक पॉलिसी आप लोग एडोप्ट किया है ये असम अरुणाचल को रिजोल्व करने में, लेकिन हम लोग भी तो यही क्वेश्चन कर रहे हैं बींग ए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन कि असम का पास कौन सा इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि आप लोग निगोशिएट होना पड़ा है वो एरिया को, और असम का पार्ट क्या डॉक्यूमेंट्स था कि आप लोग इसको देना पड़ गया कि ये एरिया को देगा बोल के असम को, और अरुणाचल का ये पार्ट को किसको किससे लेगा असम को, ये तो आप लोग ओपन में बता रहे नहीं। देखिए हम सरासर ये पब्लिक को भी बोल रहे हैं, देखिए यहाँ में बहुत सा लेकुनेस है, असम का मादी पत्ता और हम लोग का LPC अलॉटमेंट ना, इसमें सिस्टम बहुत अलग है, पैसा भी बहुत अलग है रेट स्क्वायर किलोमीटर, ये हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं बात को। इसमें आप लोग अगर कल को पता चलेगा, अगर आप लोग यहाँ में कुछ ये लेन देन निगोशिएशन हुआ, निगोशिएशन आपस में हाई लेवल कमिटी में हुआ है ना, ये बात बहुत गलत निकलेगा। आप लोग एक अरुणाचल का हिस्ट्री को क्रिएट करने जा रहा है, एक डिमार्केशन परमानेंट डिमार्केशन को बनाने जा रहा है, लेकिन आप लोग का ये अगर गलत होगा, ये सिस्टम में गलत होगा, तो ये सरासर गलत होगा। कल जो इंसिडेंट हुआ था जो जिसके बारे में आपने बोला, वो होने के बाद अब वहाँ का जो अथॉरिटी से जो वहाँ पे जगह में है ना, जैसे कि हो गया ये SP या फिर वहाँ का DC, अब उनसे बातचीत हुआ है ये इसको लेकर? हाँ, ये रिगार्डिंग में हम यही बोलेंगे कि हम लोग का वहाँ डिस्ट्रिक्ट यूनिट भी है लोअर सियांग में ना, डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने कल एक DC को एक आप लोग का एक मेमोरेंडम सबमिट किया है हम लोग के थ्रू से, बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, जो सोशल मीडिया में भी वायरल है, आप लोग कहीं ना कहीं देखा होगा। उसके बाद मेरा VP प्रोटोकॉल भी वहाँ में है ना, VP एडमिन भी आपका BMP दो के, उसको भी हम लगाया है। आप लोग खुद ही पता है कि अभी वहाँ आना जाना में प्रॉब्लम हो रहा है, पुलिस फोर्स को अटैक कर रहा है, तो आम आदमी का जाना रिस्क हो गया अभी ना, तो इसलिए हम लोग ने फील्ड में यहाँ में हम लोग का जो हम लोग का सेंट्रल टीम का काम है, हम लोग यहाँ में अपना काम को कर रहे हैं। डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स को भी आज हम सुबह को बात किया था कि आप लोग ये फील्ड में विजिट करेगा कि नहीं करेगा ना, और डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स है आप लोग को बता दो पब्लिक को, लेकिन कभी फील्ड में उतरा नहीं है, बॉर्डर इशूज इतना होता है, हमेशा इंक्रोचमेंट होता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी जाता है, लेकिन डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स कभी स्पॉट में विजिट नहीं करता है, या होम डिपार्टमेंट से आप लोग देखा होगा, ये तो बताने का जरिया नहीं, जगह नहीं है। इसलिए हम लोग अपील करते हैं गवर्नमेंट को भी, ये चीज़ को आप लोग इमीडिएटली एडुकेट पुलिस फोर्स, आप लोग इतना बंसन कॉल होने से डिक्लेरेशन करने से इतना पुलिस ले कर बैठा देते हैं, तो अभी ऑब्वियसली देखो कि जिसका भी गलती हो असम साइड से हो या अरुणाचल साइड से, हम लोग विक्टिम फैमिली का साथ में स्टैंड करते हैं, लेकिन ये बात जो कल को ज़्यादा बड़ा नहीं होने के लिए, ये ज़्यादा नहीं फैलने के लिए, हम लोग तो ये अपील करेगा कि नॉर्मलाइज करने के लिए लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, आदमी का सेफ्टी के लिए वहाँ में पुलिस फोर्स को इमीडिएटली वहाँ डिप्लॉय किया जाए अभी के लिए। थैंक यू ना, वो पॉइंट नहीं है तो।